अब देखो आजकल पाश्चात्य देशों में एक चीज बहुत जल्दी फैल रही है, उसका नाम है विजुअलाइजेशन। क्या नाम है? विजुअलाइजेशन। कितने लोगों ने सुना विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन यानी आपको जो चाहिए उस चीज को मन में देखना हरदम, इसको क्या कहते हैं? विजुअलाइजेशन यानी दृश्यकरण, हिंदी में कहें तो दृश्यकरण। क्या कहते हैं? दृश्यकरण। दृश्यकरण यानी समझो आपको चाहिए हेल्थ। क्या चाहिए? हेल्थ। तो हेल्थ देने वाली चीजों का फोटो को मन में ध्यान करना या फोटो पोस्टर लगा के उसको देखना। हमारा ये दिमाग के बारे में शास्त्र कहता है कि इस दिमाग को शब्दों का ज्ञान नहीं है, शब्द रटने के बाद दिमाग पकड़ता है। देखो एक छोटा बच्चा जन्मते ही बोलता है क्या? आपको उदाहरण से समझा देता हूं, आप समझ जाओगे। एक छोटा बच्चा जन्मते ही बोलता है क्या? नहीं भगवान। लेकिन जन्म लेते ही माँ के स्तन को चूसने लगता है तो उसके दिमाग में स्तन का पूर्व जन्म का दृश्य अगर नहीं होता कि ये स्तन है, यहाँ से दूध निकलता है, ये मेरा पेट भरेगा, इससे मेरी भूख मिटेगी, ये अगर उसको पूर्व जन्म का दृश्यकरण का ज्ञान नहीं होता तो वो बच्चा जन्म लेते ही स्तन को कैसे चूसता? किसने सिखाया भाई उसको? लेकिन ये बच्चा बोलता नहीं, इससे मालूम पड़ता है कि लैंग्वेज का नॉलेज उसको नहीं है लेकिन दृश्य का नॉलेज है। तो आप ध्यान रखिए, ये लक्ष्मी की पूजा, ये सरस्वती की पूजा, दुर्गा का दर्शन, ये विजुअलाइजेशन का टेक्निक जो अंग्रेजी लोग आजकल कर रहे हैं, युगों पहले ही इनको देख के इस दृश्य को मन में लेके जो धन का अभाव है तो लक्ष्मी को देख के उस दृश्य से धन को आकर्षित करना, ज्ञान का अभाव है तो सरस्वती को देख के ज्ञान को आकर्षित करना, शक्ति का अभाव है तो दुर्गा को देख के शक्ति को आकर्षित करना। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का रहस्य विजुअलाइजेशन टेक्निक ही है, ये ध्यान रखना। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक ही है, आप जो चाहिए उसको मन में देखिए। हम क्या करते हैं गलती आपको बताता हूं, आपके पास आज जो परेशानी है उसको आप देखते रहते हो। आप क्या देखते रहते हो? मेरे को बहुत परेशानी है, मेरे को बहुत कष्ट है, मेरे को बहुत रोग है। आप ये देखते हो कि मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, ये देखते रहते हो। आप ही बताओ आप क्या देखते रहते हो? बोलो आप क्या देखते रहते हो? कोई मुंह ही नहीं खोल रहे हैं। आज पंचमी का व्रत है क्या? मुंह में कोई लाडू हो तो क्यों खोल के दिखाओ ना, लाडू कैसा है देखो। बोलो आप क्या करते रहते हो? 24 घंटा परेशानी को सोचते रहते हो कि समाधान को सोचते रहते हो? परेशानी को। विज्ञान कहता है कि परेशानी को सोचने से परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि तुम जो सोचते हो उसको आकर्षित करते हो। अगर परेशान हो तो उसका समाधान क्या है उसको सोचते रहोगे तो अपने आप समाधान हो जाएगा और शांति भी हो जाएगा। आप क्या कहते हो? आजकल मेरे को बहुत पैसे का प्रॉब्लम है, आजकल हाथ में पैसा ही टिकता नहीं है। ऐसे बोलोगे तो प्रॉब्लम को आकर्षित करोगे। किसको आकर्षित करोगे? प्रॉब्लम को। उस समय ज्यादा से ज्यादा धन, देखो ये स्क्रीन है ना मोबाइल का, खूब धन का घड़ा एक रख के उसको ही देखते रहना। जब भी देखोगे आपको हंसी आएगी ऐसे कहने से, लेकिन ये 100% सत्य है कि आप जिसको देखते हो उसको आकर्षित करते हो। इसलिए अगर आप एकदम जो आपको चाहिए उस चीज, जो आज परेशानी में हो उसका विपरीत जो चीज है उस पर ध्यान लगाओगे तो जरूर परेशानी से बाहर आ जाओगे। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक तो आजकल पाश्चात्य देश में आया है, लेकिन हमारी मूर्ति पूजा, मूर्ति दर्शन अपने आप में विजुअलाइजेशन टेक्निक ही है। आप देखो सामने भगवती को देख रहे हो, हाथ में कितने अस्त्र शस्त्र है कि नहीं? ये शक्ति का चिन्ह है, इसको देखते ही शक्ति संचार होता है। वीणा को देख के, पुस्तक को, माला को देख के, सरस्वती को, ज्ञान का हमारे मन में विचार आता है। और लक्ष्मी को देखो, हाथ में धन का घड़ा लेके, कमल लेके बैठी है वो, धन के घड़े को देखो, धन याद आता है। आपके पास क्या कमी है उसको कौन सी चीज पूरी कर सकती है, उस चीज पर अगर दिमाग लगाओगे
तो उस चीज को आकर्षित करने लगोगे ना, आपका कल्याण भी उसी से होने वाला है।